मानो या ना मानो। वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मानो या ना मानो चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको बताते हैं बहुत से रहस्यमयी और रोमांचित कर देने वाली अविश्वसनीय मजेदार कहानियाँ, कुछ आधुनिक और कुछ दुर्लभ कथाएं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं घरों में विंड चाइम लगाने के पीछे की मान्यताओं के बारे में। तो आइए जानते हैं कि क्यों लगाया जाता है घरों में विंड चाइम। दोस्तों, फेंगशुई और वास्तु दोनों में ही विंड चाइम को बेहद खास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि विंड चाइम में बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी होती है जो कि घर परिवार में सुख समृद्धि लाती है। दोस्तों, विंड चाइम दुकान में लगा हो या घर में, इससे जुड़ी कुछ खास बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि विंड चाइम कितनी तरह का होता है और उसे किस दिशा में टांगना शुभ होगा। विंड चाइम सामान्य तौर पर लकड़ी, लोहे और अलग अलग धातुओं के बने होते हैं, लेकिन आपके लिए कौन सी धातु से बना विंड चाइम सही रहेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको इसे कहाँ और किस तरह टांगना है। दोस्तों, पश्चिम और उत्तर दिशा में टांगने के लिए धातु से बने विंड चाइम सही रहते हैं, जबकि पूर्वी और पश्चिम दिशा के लिए लकड़ी और मिट्टी के बने विंड चाइम बेस्ट होते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि विंड चाइम का लक धातु के साथ आवाज़ पर निर्भर करता है। आजकल बाजार में कई तरह के डिज़ाइन और धातु के विंड चाइम आ गए हैं जो देखने में बेहद सुंदर होते हैं, लेकिन इनमें या तो आवाज़ होती ही नहीं या कानों को चुभने वाली होती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि विंड चाइम आपके लिए गुड लक और तरक्की लेकर आए, तो इसके लिए विशेष तौर पर ध्यान रखें कि विंड चाइम मीठी आवाज़ करने वाला हो। बिना आवाज़ करने वाला या भद्दी आवाज़ वाला विंड चाइम किसी काम का नहीं होता। अब जानिए विंड चाइम में रॉड की संख्या कितनी होनी चाहिए। अलग अलग नंबर की रॉड वाले विंड चाइम अलग अलग काम के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि विंड चाइम में रॉडों की संख्या से होने वाले फ़ायदों के बारे में। अगर आप अपने घर और दुकान का बैड लक खत्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए 7 से 8 रॉड वाली विंड चाइम लेना सबसे अच्छा माना जाता है। इसी तरह, अगर आप अपने घर में चल रही बीमारियों को दूर करना चाहते हैं और नई बीमारियों से बचाव चाहते हैं, तो इसके लिए 5 रॉड वाली विंड चाइम का प्रयोग करें। घर में रहने वाले लोगों या दंपति के बीच में प्यार और अपनापन बढ़ाने के लिए उनके बेडरूम की खिड़की के पास 9 रॉड वाला विंड चाइम लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर या दुकान में शांति स्थापित करने और किसी भी तरह के क्लेश से बचने के लिए 2 से 3 रॉड वाली विंड चाइम का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विंड चाइम टांगने का अपना एक खास तरीका होता है। अगर आपके घर में या ऑफिस में एक ही लाइन में 3 दरवाजे हैं, तो आपको इनके बीच में 5 रॉड वाली विंड चाइम टांगनी चाहिए। यह आपको रोग या किसी भी प्रकार की विपदा से बचाव करता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी विंड चाइम से जुड़े मान्यताओं के बारे में। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में अपने कमेंट जरूर लिखें। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल मानो या ना मानो को सब्सक्राइब कीजिए, तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए मानो या ना मानो।